खरगोन जिला अस्पताल में लापरवाही की हद तब हो गई जब यहां पानी की टंकी में बंदर के बच्चे का शव मिला। जैसे ही इसका पता चला तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के पीछे पानी की टंकी स्थित है। इसके पास निवासी संजय ने सूचना दी कि पानी से दुर्गंध आ रही है। सूचना मिलने के बाद जब वाटरमैन ने देखा तो बंदर का बच्चा पानी में गिरा हुआ था और उसका शव बुरी तरह गल चुका था। उल्लेखनीय है कि इसी टंकी के पानी की सप्लाई रोज पूरे अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के क्वार्टर और मरीजों के लिए होती है। टंकी को खाली कर बंदर के बच्चे के शव को निकाला गया। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर दिव्येश वर्मा ने बताया कि सूचना के बाद शव को निकालकर टंकी की सफाई कर संसाधन को दुरुस्त किया जा रहा है। साफ सफाई होने के बाद फिर से पानी की सप्लाई पूरे स्वास्थ्य महकमे में शुरू कर दी जाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बंदर मारा मिला, किस तरीके का घटना हुई और कैसे पता चला? ये पड़ोसी द्वारा सूचना दी गई कि पानी में कुछ बदबू आ रही है, इसलिए देखा गया ऊपर टंकी में जाकर तो बंदर मिला। कब से था ये, कहीं ऐसा मालूम है? ये परसों तो मैंने क्या है कि टंकी का लेवल तो टूटा हुआ, तो चेक करने तो रोज जाते रहता हूँ एक दो दिन में। परसों गया था तो जब तो नहीं था कुछ। अच्छा, एक दो दिन की घटना। पानी में दुर्गंध कब से आ रही है? अभी सवेरे से, अभी अभी शाम पड़ी है। शाम से निकाल के देखा तो बंदर था। हाँ, निकाल के देखा तो उसमें बंदर था। क्या नाम लिखते हैं? नवीन वर्मा। क्या किस पोस्ट पे? मैं वाटर सप्लायर, पानी सप्लायर। कब ये बंदर को कहाँ दफनाने जा रहा? बंदर को सूचना दे दिया नगर पालिका को, आप ले जाए। नगरपालिका को फोन कर दिया। आप यहाँ पे निवास भी करते हैं? नहीं, ये 3 बजे की अभी शाम के टाइम पे अभी पता चला कि यहाँ पानी में कुछ ऐसी बदबू आ रही थी, तो हमने जाके देखा कि पानी ऐसा कि ऐसा क्यों आ रहा है, बास क्यों मार रहा है पानी। तो बाद में इनको वाटरमैन को फ़ोन लगा के बोला कि आप जरा देख लो, तो वो बोले हाँ ठीक है मैं आता हूँ। तो उन्होंने देखा तो उसके देखने के बाद पता चला कि बंदर मरा है। तो ये पूरा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट का पानी यहीं से जाता है और हम लोग भी यही पीते पानी। ये दुर्गंध कब से आ रही थी? ये पता नहीं, बाकी आज ही हमको ऐसा लगा कि इसका जो पानी है पूरे हॉस्पिटल में मरीज वगैरह और सभी जी सभी को जाता है पानी, पूरा इशू होता है हॉस्पिटल का पानी। क्या नाम है आपका? संजय सोलन जी। कहाँ निवास करते हैं जी? मैं पड़ोस में हूँ, हॉस्पिटल परिसर। जी, हॉस्पिटल परिसर में। पीछे एक जो बड़ी टंकी जिससे पूरा इसका हॉस्पिटल का वाटर सप्लाई होता है वहाँ से भर के, अभी मुझे भी खबर लगी थी कि एक बंदर मिल गया, उसको निकाल के टंकी को साफ करा दे रहे। ऊपर की जो जाली थी वो शायद टूट गई है, तो उसको जाली को करवा के पूरा उसको पैक करके ताला वाला लगा देते, बिल्डिंग करा देते वहाँ पर, तो भविष्य में इस तरह की घटनाएँ नहीं हो। बंदर भी बहुत तादाद में आ रहे हैं, बंदर बहुत आ रहे हैं, इधर पशु भी बहुत आ रहे हैं। और पशुओं के लिए तो हमने नगर पालिका को लेटर भी लिखा है, ये जो आवारा पशु है इनको कहीं पर छोड़ के रखे, क्योंकि डेली आ जाते। मेरे इधर थोड़ा सा भी गेट खुला रहता ना तो अंदर घुसता तो मेरे सारे पेड़ पौधे खा जाते हैं। पानी सर पूरे हॉस्पिटल में सप्लाई होता है बंगलों पे? नहीं, बंगलों पे नहीं होता, बंगलों का तो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन इससे है, और जो हॉस्पिटल के कुछ टंकियाँ हैं जो उससे कनेक्टेड है, बाकी तो सारे इससे भी जाती है। तो सिर्फ एक या दो टंकी उधर की पीछे वाली है, और उसको पूरी टंकी को साफ करा कर और सारी टंकी में जिसका पानी जा रहा है उसको सब पूरा क्लीन करा कर उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं और उसकी व्यवस्था कल करवा देते हैं उसको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।